बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक क्या है, मैं आपको मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करना बताऊंगा। ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जहाँ तक जो फ्रंट डेस्क जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जिनकी जॉब्स होती है रिसेप्शनिस्ट की, स्कूल्स में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर वो अपनी जॉब्स को कैसे जो है सेफ रख सकते हैं। तो उनके लिए जो है, जो कि रिसेप्शनिस्ट वगैरह पे जो वर्क करती हैं, खास करके जो गर्ल्स होती हैं या इसके अलावा कुछ परसेंट में बॉयज़ भी होते हैं, तो उनके लिए जो है ये सेफ साइड है। बहुत आसान जो हमने जो काम करना होता है कि फ्रंट एंड के लिए आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज हम डिटेल में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप अपने वर्क को कैसे, अपनी जॉब को कैसे सेव करें। अब सबसे पहले जो हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है, जिसमें हमारे पास डिटेल होनी चाहिए कि हमारे कोर्सेस कौन कौन से हैं और उन कोर्सेस को हम यहाँ पर कैसे मेंटेन करें। तो पहले यहाँ पर आप एक हेडिंग दे दें जिसमें आपके पास जो तमाम कोर्सेस के जो नेम होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कोर्सेस, और उनकी जो अमाउंट होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। अब फर्स्ट कोर्स जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इसके बाद यहाँ से कॉलम का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और सेकंड कोर्स मेरे पास है वेब डिज़ाइनिंग, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद इधर हम ऐड कर लेंगे एनिमेशन, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग। अब जितने आपके कोर्सेज होंगे आप उतने ही कोर्सेज के जो है यहाँ पर नेम लिखते चले जाएंगे। फिलहाल जो हमारे पास कोर्सेज जो है वो यही हैं, तो मैं यहाँ पर साथ साथ इसको फॉर्मेट भी कर दूंगा। और इधर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे डिफरेंट जो है, यहाँ पर आप कलर्स दे दीजिए, फॉर्मेटिंग दे दीजिए और साइज थोड़ा सा लेते हैं। तो अब ये हमारे पास जो आ चुकी है लिस्टिंग आ चुकी है कोर्सेज की, अब उसकी अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं 6,000, और इधर हम लिख लेते हैं 8,000, और इस पे हम लिखते हैं 15,000, और अकाउंटिंग पे हम डाल देते हैं यहाँ पर 7,500, और एनिमेशन को हम देंगे 5,000, और लास्ट वन जो होगा हमारे पास इसको हम कर देंगे 9,500। ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके यहाँ से हम चेंज कर देंगे कॉमा में, ताकि एक स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास इस तरीके से जो अमाउंट है वो लिखी जाए। अब उसके बाद आप क्या करें यहाँ पर, अब आप यहाँ पर जो आपने अपने रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन रखें। अब आपने रिकॉर्ड कैसे डालने हैं यहाँ पर, अब इधर सबसे पहले जो आपके पास होगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आपके पास जो आपके स्टूडेंट्स के नेम होंगे, उसके बाद इधर आप ऐड करेंगे कोर्स नेम, और फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे एड डेट यानी एडमिशन डेट, और उसके बाद फिर इधर आप ऐड करते हैं फी, और इधर हम ऐड करेंगे एडवांस, और लास्ट वन सेकंड लास्ट हम ऐड करते हैं बैलेंस, और एक जो हमारे पास ऐड हो जाएगा यहाँ पर स्टेटस। अब देखें यहाँ पर ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको फिर बता दूँ, हम जब एक्सेल के ऊपर काम करने जाते हैं तो हम उसकी जो प्रॉपर जो एक वर्किंग होती है वो हम नहीं कर पाते। हम कहीं पे भी किसी की एंट्री कर लेते हैं और हम अपने मैनेजर को या बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए जो अभी करंट पोजीशन पे जो ये जॉब्स कर रहे हैं, ताकि आप अपना जो भी वर्क करें एक्सेल के ऊपर एक प्रॉपर रखें और एक उसको प्रोफेशनल जो उसकी जो सीक्वेंस होती है कि किस तरीके से बनाना है, तो उसी तरीके से आप इसको बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट को, ताकि वो आपके काम से इम्प्रेस हो सके और आपकी जॉब के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट आपका लगता जाए। तो इसी तरह आप देखें यहाँ पर इतना एरिया सेलेक्ट करें, और यहाँ पर आपने जो है तमाम डिटेल्स डालनी है। अब इसको काम करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ इसको आपने यहाँ पर देखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने होंगे उतने ही आप ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल 10 स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और उनके जो है यहाँ पर हम नेम भी लिख लेते हैं, तो नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल जो जो मैं यहाँ पर नेम इस तरीके से लिखते जा रहा हूँ, तो आप यही नेम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं बिल्कुल, और अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर हम मज़ीद एंट्री कर लेते हैं, और नंबर एज के ऊपर जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दानिश, और इसके बाद सेकंड लास्ट जो हमारे पास नेम आ जाएगा
और लास्ट वन जो हमारे पास नेम आ जाएगा यहाँ पर सलमान। तो ये हमारे पास डिटेल आ चुकी है। अब ये एरिया भी जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, इसको हम देंगे बॉर्डर और हेडिंग्स को जो है यहाँ पर हाईलाइट करवा लेंगे डिफरेंट कलर से और फॉन्ट कलर बनेंगे। कोर्सेज के अंदर आपको क्या करना है, आपने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और आप चले जाएं डाटा में, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे यहाँ से, और इसको आप में चेंज करना है। सोर्स में जाकर आपने तमाम कोर्सेज के कॉलम को सेलेक्ट करना है, यानी कि जितने भी आपके पास सेल्स थे वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं, और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। अब ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, एक बार तो आपको ये काम करना पड़ेगा, बाकी आपको सिर्फ इसके अंदर अपनी एंट्रीज करनी है, तो तमाम डिटेल्स जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं, अब हम यहाँ डाल देते हैं ग्राफिक्स कोर्स है, इधर हम डाल देते हैं एनिमेशन, और अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर वेब डिजाइनिंग, और वेब डिजाइनिंग के बाद फिर हम डालते हैं एनिमेशंस, और इसके बाद यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं डेवलपमेंट, और इधर हम ऐड दोबारा से ग्राफिक, तो लाजमी नहीं कोई भी रख सकते हैं, फिलहाल हम कुछ भी इसके अंदर रख लेते हैं फटाफट। इधर हम डालते हैं डाल देते हैं, और इसके बाद इधर अकाउंटिंग डाल देते हैं, और लास्ट पर हम वेब डिजाइनिंग। तो ये हमारे कोर्सेज के नेम आ जाएंगे। अब एडमिशन डेट, जब हमारी एडमिशन डेट होगी वो आएगी यहाँ पर, तो इसको हम मैनुअल पे रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एडमिशन डेट अभी समझाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, इसको ड्रैग कर देते हैं। अब फी आपको जो है लेकर आनी है कि फीस कौन से कोर्स की कितनी है। जब स्टूडेंट्स जो है यहाँ सेलेक्ट करेगा तो फीस अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, कि कैसे पता चलेगा इक्वल, ये भी लुकअप का जो है फॉर्मूला अप्लाई करें। लुकअप वैल्यू के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे जो आपका कोर्स नेम होगा कॉमा, टेबल एरे के अंदर आप ये वाला कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है वो कोर्सेज की फीस मौजूद है, और इसको आपने कर देना है F4 से लॉग कॉमा, F4 से लॉग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लाएंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स के अंदर हम देंगे कॉलम नंबर 2, और कॉमा लगाएंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब देखिए ड्रैग हमने कर दिए यहाँ पर, अब यहाँ देखें, अब हम यहाँ पर कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जैसे ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के आपके पास अमाउंट आ रहा है 6000 है, तो चाहे तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कॉल। और अब देखें इसके अंदर हम चेंज करते हैं कोई भी कोर्स डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ चुका है 15000 है, और अगर हम चेंज करना चाहें एनिमेशन, तो देखें एनिमेशन के अमाउंट आ रहे हैं 5000। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं तमाम कोर्सेज को। अब इन केस अगर यहाँ पर आपके पास कुछ भी ना लिखा हो तो एरर इस तरीके से आ रहा है, तो एरर जरूर आएगा क्योंकि तब हम फिलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर डाटा आ रहा है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में जब आप इसको वर्क करेंगे तो यहाँ आप मैनुअल टाइप करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला लगा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर एरर शो होगा। तो इस एरर को खत्म करने के लिए आप करना है स्टार्टिंग में वी लुकअप से पहले इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद जो है लास्ट में आके आप यहाँ कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो देखें जब मेरे पास कोई कोर्स नेम सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास एरर भी नहीं आएगा, तो इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी कोर्स नेम जो है सेलेक्ट, डायरेक्ट आपके पास अमाउंट आ जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैंने डिलीट कर दिया तो देखें फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है, हमने कोर्स नेम सेलेक्ट नहीं किया है, यानी कि आपके पास स्टूडेंट आया इमरान, आपने उसका कोर्स पूछा, कोर्स आपने सेलेक्ट किया, एडमिशन डेट डाली, जैसे यहाँ पर आप कोई भी करते हैं तो एडमिशन डेट आ जाएगी, देखिए यहाँ पर उसकी फीस जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से क्या होगा, एरर से आपके पास जो है इस तरीके से एरर नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एडवांस की। अब एडवांस भी हमारे पास डिफरेंट होंगे, कितना एडवांस है, अब कोई एडवांस यहाँ पर कंप्लीट 6000 जो है वो पे कर रहा है, कोई एडवांस हमें दे रहा है यहाँ पर 2000, कोई एडवांस हमें दे रहा है 3500, किसी ने हमें दे दिया 5000, और 12000 दे दिया हमें स्टार्टिंग के अंदर, और इसमें हमें दे दिए 4000, और इधर हमें दे दिए 3500, 2000, और यहाँ पर हमें पूरे पे कर दिए 7500, और लास्ट पर हमारे पास आ रहे 6000। तो इसको भी यहाँ पर चेंज कर देंगे कॉमा में। अब बात करेंगे बैलेंस की। बैलेंस के अंदर हमने क्या करना है, इक्वल लगाना है, और यहाँ आपके पास जो आपकी फीस होगी इसको माइनस कर देंगे इससे और एंटर, और इसके पार पर आ चुका है 0, क्योंकि कॉमा में चेंज हुआ था तो इसलिए मैंने इसको कर दिया ड्रैग और इधर लगा दिया। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर 5000 फीस थी, पर पे एडवांस आ चुके हैं, बैलेंस कितना बता रहा है 3000। तो इस तरीके से यहाँ पर जहाँ 0 आ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर बैलेंस कोई भी नहीं है, पूरा पे हो चुका है। देखिए 6000 फी थी, 6000 एडवांस दे दिया उन्होंने, तो अब आपके पास कोई बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई बैलेंस नहीं है, वहाँ भी नहीं है।
अब देख लेते हैं स्टेटस, स्टेटस हमें क्या बताता है। तो इसके लिए लगाते हैं इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल कि अगर आपके पास जो ये वाला सेल बराबर होता है 0 के कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, कंप्लीट, कोटेशन क्लोज कॉमा, और अगेन इनकम्प्लीट हम लिख देंगे यहाँ पर, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर आपके पास बैलेंस 0 रहता है तो स्टेटस बताएगा कि कंप्लीट है, इसका मतलब आपने हर तमाम जो है वो कोर्स की फीस आप मुकम्मल दे चुके हैं। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर बैलेंस में 0 नहीं आता, कोई अमाउंट आ रहा है, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब आपके पास जो है बैलेंस यानी कि बाकी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका स्टेटस भी इनकम्प्लीट बता रहे हैं। तो इसको हम करते हैं एंटर, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको कर देंगे ड्रैग। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है कंप्लीट, यहाँ देखिए इनकम्प्लीट बता रहा है, यहाँ बता रहा है, और यहाँ भी कंप्लीट बता रहा है। आप चाहें तो इसको हाईलाइट करवाना चाहे करवा सकते हैं, सेलेक्ट कर ले यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल और टेक्स्ट दैट कॉन्टेंट पर जाए, और यहाँ पर आप पहले लिख लें कंप्लीट। कंप्लीट के लिए आपको जो हाईलाइट करवाना है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, बना बनाया फॉर्मेट है, कस्टम में जाके आप खुद से बना सकते हैं फॉर्मेट, कर दिए ओके। दोबारा से आप जाएंगे और टेक्स्ट दैट कॉन्टेंट में आप चले जाएँ, और इधर अब आप यहाँ पर राइट कर लें इनकम्प्लीट, और इसके लिए रेड वाला ही आपके पास ऑप्शन है, ओके कर दें। तो देखें इस तरीके से अलग अलग जो है वो आपको हाईलाइट नजर आएंगे। अब देखिए ये तो आपके पास काम हो गया आपका एंट्री का, लेकिन अब लाजमी है कि आप ये रिपोर्ट पूरी आप एंड ऑफ मंथ यानी कि जो आपका मंथ एंड हो जाता है, तो रिपोर्ट भी आपको तैयार करनी होती है कि आप अपने मैनेजमेंट यानी सीनियर को आप देंगे, तो उसके भी एक प्रॉपर तरीका होगा, आप इसी को पूरा प्रिंट करवा कर आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे मैं ये एरिया कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इधर मैं हेडिंग डाल दूंगा रिपोर्ट, रिपोर्ट की हेडिंग डाल देंगे, और ये एरिया जो है इस तरीके से हम कवर कर लेंगे, और इतना एरिया जो है सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके ऊपर हम बॉर्डर दे देंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ मैंने ये काम क्यों किया है, क्योंकि आपको रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है कि आप यहाँ बता सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ग्राफिक्स के जो स्टूडेंट्स के एडमिशन थे वो कितने हैं, वेब डिज़ाइनिंग के एडमिशन कितने आ रहे हैं, डेवलपमेंट के एडमिशन कितने आ रहे हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक एडमिशन है तो इस एक एडमिशन की अमाउंट कितनी है, दो एड है उसकी अमाउंट कितनी है, पांच एडमिशन है तो उसकी अमाउंट कितनी है। तो यहाँ आप लगा ले फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ का, जो है फॉर्मूला आप यहाँ पर राइट करें, काउंट इफ का फॉर्मूला आपने राइट करना है। रेंज के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले कोर्स नेम वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और याद रखिएगा इसको आपने F4 से लॉक करना है कॉमा, और क्राइटेरिया के अंदर ये वाला सेलेक्ट करूंगा सेल, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। अब देखें इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर लीजिएगा, क्योंकि आपने इस वाली रेंज को लॉक किया, इसको आपने ड्रैग किया, तो ये देखें रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है कि आपके पास इस मंथ 3 ग्राफिक्स के एडमिशन है, 2 डेवलपमेंट के हैं, वेब डिजाइनिंग के हैं, 1 डेवलपमेंट का, 1 अकाउंटिंग है, 2 एनिमेशन है और 1 एडिटिंग है। आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि प्राइस आपकी कितनी बन रही है, तो इक्वल सम इफ का जो फॉर्मूला आप लगा लें यहाँ पर। रेंज के अंदर आपने क्या करना है, आप यहाँ पर नेम वाला जो है पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और F4 से आपने इसको लॉक करना है कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे सेल, कॉमा लगाएंगे, और सम रेंज के अंदर आपने सेलेक्ट करना है आपके फी वाला पूरा कॉलम, ये सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको भी आपने F4 से लॉक करना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखें आपके पास जो एक फीस थी ग्राफिक्स की 6,000 थी, 3 एडमिशन हो चुके हैं, तो कितनी आपके पास फीस आ चुकी है, 18,000, तो इसको भी आप ड्रैग कर दें। तो ये देखिए तमाम जो है वो आपके पास कोर्सेज वाइज जो है वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, तो ये आपकी जो है फाइनली रिपोर्ट भी साथ ही तैयार हो जाएगी। तो अब आप चाहे अपने सीनियर मैनेजमेंट को जो है रिपोर्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड और एक प्रोफेशनल तरीका है कि आप अपने मैनेजमेंट को किस तरीके से काम करके अच्छे से अच्छा उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर आज की क्लास में बताया है। तो इसी तरीके से वर्क करें और अपनी जॉब को सेफ रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास जरूर समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।